पूरी बैंड बच चुकी है हमारी सुबह सुबह। कौन खड़ा है बारिश के अंदर, देखिए आप सामने जस्ट हमारे ऊपर कैसे चट्टान लटकी हुई है। ये 10 मिनट के अंदर इधर चावल रेडी है हमारे, बन गए। देखिए यही होता है असली मजा जो हर कोई नहीं ले पाता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ, बद्रीनाथपुरी, जय बद्री विशाल। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा हमने आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन कराए, और वहाँ से थोड़ा सा दूर माना विलेज की तरफ चलते हुए एक मिलिट्री एरिया आता है। तो सागर भाई ने एक लोकेशन सर्च करी थी, उनका कॉल आ गया था, जस्ट आधा किलोमीटर दूर एक वैली है बहुत ही सुंदर, मतलब बद्रीनाथपुरी कहलाएगा ये। वहाँ पर हमने आर्मी वालों की परमिशन लेके अपने टेंट वगैरह डाल लिए, आप पीछे देख सकते हैं दोनों गाड़ियाँ वगैरह आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। खाने वाने से फ्री होकर हम जैसे टेंट के अंदर घुसे, आई थिंक 11-12 बजे से जो बारिश स्टार्ट हुई है भाई, इतनी तेज़ बारिश, मतलब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। मम्मी और चेरी सोई थी गाड़ी के अंदर, मैं शिवाय और चिक्की सोए थे टेंट के अंदर। थोड़ी धीरे हुई है बारिश अभी, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार चारों ओर का। ये देखिए जी, ये जस्ट हमारे सामने वाटरफॉल बह रहा है जो कि अलकनंदा नदी में जाके गिरता है, और ये देखिए हमारे 360 डिग्री का व्यू। और ये सामने आर्मी वालों का है, कुछ ऑफिस वगैरह है या कुछ उनका रहने का है, इन्हीं की परमिशन से हमने यहाँ पर लगाया था। और मम्मी उधर सो रही है, गुड मॉर्निंग। थोड़ी टेंशन थी मम्मी को, मम्मी का पहली बार था ना ये कि बच्चे कैसे सो रहे होंगे, क्या है क्या नहीं है। देखिए जी, इस चीज़ को अपन दो नज़रियों से देख सकते हैं, एक तो परेशानी के तौर पर और एक एडवेंचर के तौर पर। देखिए कोई भी अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। अब ये बारिश वारिश और ये सब तो क्या प्रकृति है, चलता रहता है। हाँ कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन ठीक है, हर कंडीशन में मैनेज करना आना चाहिए। इसी का नाम कैंपिंग है, ओवरलैंडिंग है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक वो ये रहा है कि मतलब अगर हमारी दो जनों की जो फैमिली जाती है तब तो बारिश में भी हम प्रॉपर सही है। मैं आउटर टेंट को मतलब इतना प्रेफर नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें फिर बारिश में अब जैसे उठाने करने में समेटने में बहुत दिक्कत होने वाली है, जो कि हमारी परसों कंडीशन हुई थी। देखो जी देखो, इसको कहते हैं स्ट्रगल, मतलब पूरी बैंड बच चुकी है हमारी सुबह सुबह। और सागर भाई नहीं होते तो यार बहुत दिक्कत आती, पूरी हेल्प कराई इन्होंने सबको। हमने सामान को समेट के थोड़ा इनकी गाड़ी में रखा, थोड़ा उधर रखा, बच्चों को उनको सबको अंदर फिट किया। अब ये टेंट की प्रॉब्लम है मेन, बारिश में सब कुछ गीला हो गया, सब कुछ। बहुत भयंकर वाली सर्दी हो गई, देखो लाल हो गया हाथ, और मतलब काम करना बंद कर दिया एकदम। और पीछे पहाड़ों पे आप देख सकते हो, देखो ये देखो पीछे पहाड़ों पे ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। तो स्नोफॉल तेज हो इससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। बोलो श्री मनसा माता की। चलो जी, फाइनली कैसे तैसे करके सारा सामान समेटा, सागर भाई हमारे आगे आगे चलेंगे। अब मेन प्रॉब्लम ये है, जो ये वाला रोड है ना, बहुत ही स्लशी है, बहुत ही रिस्की है, देखो बहुत ही उतार है, तो बहुत धीरे धीरे इसमें से हम गाड़ी निकालनी पड़ेगी। मेन रोड पे आने के बाद तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा वाला एक्सपीरियंस हो गया गाइस आज तो। सर्दी भी भयंकर वाली है, भयंकर वाली। यहाँ से थोड़ी तेज स्पीड से चढ़ानी पड़ेगी, देखो वो एकदम सही लेके गए, पहले उनको जाने देता हूँ मैं। मेन दिक्कत यही से है। चढ़ गई अब चढ़ जाएगी, टायर हल्के हल्के स्लिप मार रहे नीचे से, फुल टॉर्क में अभी गाड़ी, फुल टॉर्क में, बस यहाँ तक की प्रॉब्लम थी अब चढ़ जाएगी। तो ये मेन रोड आ गया, पानी के तालाब भर गए भी यार, रात भर से बारिश हो रही है, रात भर से। लो जी लो, हम फाइनली आ गए मेन रोड पर। तो गाइस हम कल वाले पॉइंट पर ही आ चुके हैं, बारिश तो बहुत है यार, मतलब अभी भी बहुत तेज बारिश आ रही है। तो ये यहाँ का मेन चौक आया, बस स्टैंड वाला एरिया है, नीचे बस स्टैंड है। तो दोस्तों बद्रीनाथ जी से निकलने का टाइम आ चुका है, सामने चेक पोस्ट दिख रही होगी आपको एंट्रेंस पर, ऊपर देखिए स्नोफॉल हुई है जो अभी भी हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। बारिश नहीं होती तो यहाँ पे आराम से हम 1-2 दिन रुकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कभी और आएंगे। माना विलेज भी हमारा रह गया, बहुत ज्यादा मौसम खराब है, आगे परमिशन नहीं मिल रही जाने की, तो यहाँ से आगे चलते हैं, फिर देखते हैं किधर को हमारी गाड़ी मुड़ती है। देखिए जी सामने देखिए, कल जब हम आए थे यहाँ पर तो एकदम सफेद पानी था, अभी जो रात भर बारिश हो रही है तो एकदम मटमेला सा पानी आने लग गया, देखो और कितना तेज पानी जा रहा है। ये तो क्या इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया है पूरा पाइप डाल के, जगह जगह ऐसे देखिए छोटे छोटे पानी के तालाब बन रखे हैं, सामने से देखो नदियां बन रखी है सड़के। ये देखिए गाइस जस्ट हमारे ऊपर कैसे चट्टान लटकी हुई है, एकदम तीखी तीखी। और ये क्या है, रोड पासिंग देनी पड़ती है।
बहुत ही सकड़ा रास्ता है कहीं कहीं पर तो, और कहीं कहीं पर बहुत एकदम हाईवे जैसा है। ऊपर धीरे धीरे पहाड़ों में से पानी गिर रहा है, गाड़ी पे आपको आवाज आ रही होगी। कई कई जगह काफी झरने हैं, झरनों की तो भरमार है इधर, और बारिश के टाइम में तो कहना ही क्या। अभी तो पूरा रोड खुदा पड़ा है, पूरे पहाड़ खुदे पड़े हैं, और लैंडस्लाइड तो भर भर कर है भाई। ये देखो आपको ये जो रोड पर पत्थर दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये जो बीच रोड पे ये है, ये रात भर में ये ताजे गिरे हुए हैं। ये देखो डमी को कैसे तलवार वलवार क्या लेके, मैंने देखा ऐसे कौन खड़ा है बारिश के अंदर, देखिए आप सामने। और ये देखिए जी सामने वाटर क्रॉसिंग, क्या स्पीड से पानी आ रहा है, क्या स्पीड से सड़क पे देखिए कितना पानी बह रहा है, जबकि उन्होंने अंडरग्राउंड कर रखा है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जोशीमठ के बाद बैठ के बात करते सागर भाई से आगे का क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा मौसम रहा ना तो भैया कैंपिंग तो पॉसिबल नहीं है। हमारा खाने पीने का प्रोग्राम चलता रहेगा, साथ में घूमना फिरना चलता रहेगा। देखिए जी देखिए कितने सारे झरने हैं, ये एक दो, सामने वो बड़ा वाला तीन, उसके आगे चार, और ये देखिए मुड़ते ही ये सामने देखिए पांच छह, जितने गिनोगे ना उतने कम है। अभी थोड़ी देर रोड अच्छा आएगा, उसके बाद जोशीमठ वाला रोड तो भाई साहब बहुत खतरनाक, और ऐसी बारिश में तो और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। गाइस देखिए सामने कैसे बादल नीचे उतर चुके हैं, बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं, अभी उन बादलों के बीच में से आपको लेके चलेंगे। मतलब ऐसे नज़ारे आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे यार। रिस्क है तो सुंदर भी है, सुंदर है तो सेम टाइम बहुत डेंजर भी है। थोड़ी रिस्क तो उठानी, थोड़ी तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी रिस्क उठानी पड़ती है यार ऐसे नज़ारों के लिए। और रोड की तो कंडीशन आप देख ही लो, जहाँ पर अच्छे हैं वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, और जहाँ पर ख़राब है तो भैया भयंकर वाले ख़राब है, बड़े बड़े खड्डे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में है ना बहुत ही शानदार हाईवे हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ से ऋषिकेश है 286 किलोमीटर और चमोली है 84। चलिए देखते हैं, अभी हमारा कुछ भी प्लान फिक्स नहीं है, कहीं पर भी हम जा सकते हैं, कहीं पर भी मुड़ सकते हैं, एकदम फ्री स्टाइल की इस बार ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम। अब देखिए दोस्तों सामने का नज़ारा, छोटा सा कोई गांव है, इतनी हरियाली है, छोटे छोटे से घर बन रखे हैं, जैसा अपन लोग पोस्टर्स में देखते हैं ना सेम वैसा आपको लाइव देखने में मिलेगा यहाँ पर। देखिए जी पहाड़ियों से कैसे झरने बह रहे हैं, नेचुरल धुलैया होती हुई जा रही है गाड़ी की, ये देखिए ओहो पूरा पहाड़ मतलब हवा में है। ये देखिए चितकुल की याद आ गई इसको देखकर। तो चलिए जी सागर भाई को बाय करने का टाइम आ गया है, सागर भाई को हम कभी और ज्वाइन करेंगे। सागर भाई ये लोकेशन देख लो, बहुत शानदार लोकेशन है, और इनका भी कैंपिंग से मन नहीं भरा, और फिलहाल बारिश आ गई, हमारा कुछ बनाने का मूड था यहाँ पर। तो गाइज मेन तो बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए बढ़िया, अभी भी देखो तेज बारिश हो गई, धूप और बारिश दोनों साथ चल रही है, तो हम यहाँ से आगे जाते हैं, कहाँ जाएंगे कुछ भी नहीं पता, जहाँ मन होगा वहाँ कैंपिंग कर लेंगे या वहाँ पे खाना पीना करा, घूमे फिरे पहाड़ों में दो तीन दिन आपको भी दिखाया करा, और सीधे जाते हैं अपने घर पे। तो दोस्तों यहाँ से अब हमारी आगे की मंजिल अकेले तय करनी है, अच्छा तो नहीं लगा बीच में साथ छोड़ते हुए, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है और हमारी भी अपनी मजबूरी है। ये देखिए जी ये देखिए सुबह होते ही अपने डेली रूटीन पर लग चुके हैं, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है, सामने जो मैंने आते टाइम भी आपको गेट दिखाया था, और नीचे जाके एक गुरुद्वारा बताते हैं, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, पार्किंग भी है, वहाँ से आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं, सब ऑप्शन है। ये देखिए जो मेन गेट दिख रहा है ना आपको यहीं पर। तो चलिए अभी तो फिलहाल सीधा चलते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। फिलहाल सबसे पहला टारगेट है जोशीमठ को क्रॉस करना। कई कई जगह पर आके रास्ते बहुत ही सगरे हो जाते हैं कि एक ही गाड़ी निकल सकती है। थोड़ी सी देर में हम जोशीमठ पहुंचने वाले हैं, वहां चल के डिसीजन लेते हैं क्या करना है आगे के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास दो दिन और है। तो जोशीमठ अभी हमारे यहाँ से है 5 किलोमीटर, और भारी ट्रैफिक का हमें सामना करना पड़ रहा है। आई थिंक 5 किलोमीटर में हमें 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं जिस हिसाब से सामने से गाड़ी आ रही है। देखिए जी देखिए हरियाली क्या शानदार है, यहाँ से जोशीमठ 3 किलोमीटर है, लेकिन जोशीमठ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें मिली है पार्किंग की। लीजिए जी आगे आपका जोशीमठ, और मौसम जो हो रहा है ना भाई बहुत शानदार हो रहा है, लेकिन वही बारिश तो रुकने का मन नहीं कर रहा भाई यहाँ पर। तो गाइस कल दूसरे रास्ते से आए थे हम लोग, और आज दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। तो ये देखिए जोशीमठ का मार्केट, ये जोशीमठ मेन सिटी है जहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, लेकिन वही बारिश आ रही है यहाँ पर भी, और मौसम तो ठंडा है खैर बाहर। तो देखिए गाइस कल हम ये जो रास्ता जा रहा है ना नीचे की तरफ, इधर की तरफ से हम बाहर के बाहर निकल गए थे, यहाँ से चमोली है 50 किलोमीटर और कर्णप्रयाग है 51 किलोमीटर। ये देखिए अभी अपने को फिलहाल सीधा चलना है।
अरे भाई हट जाओ यार, माना देखो हट नहीं रहे यार, शहनशाह की तरह चल रहे, शहनशाह की तरह बीच रोड पे। लो जी, हम घूम फिर कर वापस आ गए हमारी उसी फेवरेट जगह पे, हमसे रहा नहीं गया क्योंकि कि खाना तो वैसे भी बनाना ही था और सुबह से हम चले जा रहे थे तो ये जगह तो आपको याद होगी, परसों हमने यहीं पर खाना खाया था और सामने उसमें गेस्ट हाउस में रुके थे। तो यहाँ पे हमारे लंच की तैयारी हो रही है। लंच में आपको बता दें, आज रात की दाल बच गई थी, मतलब एकदम ठंडक में तो आपको पता खराब होती नहीं है, तो दाल को हम अभी तड़का दे के दाल फ्राई बना देंगे और साथ में क्या बना रही है, थोड़े से राइस बना लिए, काम कर। ढोकला, मक्की का ढोकला, मक्की के आटे का ढोकला बनता है। अब पता नहीं हमारे यहाँ पर सर्दियाँ कब आएगी, यहाँ पर सर्दी है तो आज वो ट्राई करके देखते हैं। ट्राई तो क्या करना है, मतलब बना रहे हैं। तो चावल बन गए और यहाँ पर हमारी दाल फ्राई बन जाएगी और ये आटा ये घर से तैयार करके ले आए थे, ढोकले का मसाले वसाले सब मिलाए हुए हैं इसमें। तो चलिए जी, लग जाइए अब धार पे। और सबसे मेन चीज़ कोइंसिडेंट देखिए, सागर भाई ने वापस ज्वाइन कर लिया फाइनली, इनका भी वहाँ पे मन नहीं लगा, पीछे पीछे आ रहे थे ये, तो अभी मेरी बात हुई, बोला यार हम तो 10 किलोमीटर पीछे ही, बोला यहीं पर आ जाओ। तो फाइनली अब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है, दोनों गाड़ियाँ शेल्टर के नीचे आ जाएगी, जो भी पार्किंग चार्जेस होगा स्टैंडर्ड प्राइस भैया को दे देंगे और आज हम यहीं पर चिल मारेंगे, यहीं पर रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए यार। तो जी यहाँ पे चावल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दी हमने, तो बर्तन भी बड़ा लेना पड़ेगा, तो ये पानी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, चावल यहाँ पे भिगोने के लिए रख दिया और दाल देखो मस्त एकदम। लो जी, तो ये आ गया घी तड़के के लिए, उधर हमने चॉपिंग कर दी है, हमने मतलब चिक्की ने चॉपिंग कर दी है प्याज लहसुन टमाटर, ये आ गया जी इसमें जीरा और बाकी के खड़े मसाले जो भी होते हैं, सूखी लाल मिर्ची लौंग और तेज़पत्ता वगैरह सब डाल चुकी है। और अब आ गई है हमारे मेन तड़के के आइटम, दाल से जो खुशबू आई है, मजा आ गया, मौसम भी शानदार। ये 10 मिनट के अंदर इधर चावल रेडी है हमारे, तो दो दो यूज हो जाएंगे एक ही गैस के, इसीलिए मैं बोलता बोल दो। हाँ, और दो बर्नर का चूल्हा लगाने का बहुत फायदा रहा, दो दो आइटम एक साथ बन जाता, मतलब पूरा वही घर वाला सिस्टम हो गया, जो भी आप घर पे बना सकते हो वो यहाँ पर बना के खा सकते हो, जैसा कि हम बना रहे हैं। ये हो गया जी इसमें टमाटर, तो ये बन जाएगा तड़का, अब इसमें सारे मसाले आ जाएंगे, आगे की कहानी आप समझ ही जाओ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जब हम बद्रीनाथ जी से निकले थे तो हमारा यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी कोई मानस नहीं था, कोई मन नहीं था, इनको केवल वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था, तो यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं। मैं रुका और पता नहीं क्या वाई, हमने बोला यार यहीं पर रुक जाते हैं, आज रेस्ट करते दिन भर, हमारा पूरा मूड था बद्रीनाथ जी रुकने का, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सर्दी इतनी तेज थी ना, खतरनाक वाली, और कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे बारिश के अंदर, माना विलेज वगैरह सब जगह बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे अभी जाने का, मतलब पुलिस वालों ने मना कर दिया कि अभी मौसम बिल्कुल सही नहीं है, आप सोच समझ के जाना, फिर मतलब नहीं है, ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है माना विलेज जाने के बाद, इसलिए हम वापस आए और जैसे ही रुके यहाँ पे तो एकदम हथियार डाल दिए। और ये आ गए जी इसमें मसाले, मसाले हम सारे कैरी करते हैं, जो घर में आप रखते हो ना ऑलमोस्ट आपको सारे मसाले हमारे इस छोटे से किचन में मिल जाएंगे। ये देखिए हमने पूरी रैक बनाई है बकायदा मसालों के लिए, ये इसमें आ गई कसूरी मेथी, ये तड़का लग गया दाल में, अब दाल को कर देंगे गरम एकदम मस्त वाली। तो अब बारी है हमारे मक्की के ढोकले की, शायद आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं हो सकती है लेकिन हमारे राजस्थान में तो काफ़ी चलती है, वैसे सर्दी का फूड है लेकिन हम अभी जैसा कि आपको बताया सर्दी में अभी टेम्परेचर होगा 8 से 10 डिग्री। तो यहाँ पर हो गई हमारे वेराइटी, देखिए दाल फ्राई हो गई, चावल आपको बता दूँ मैं, हाय 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 हाय, ये चावल रेडी है, गरम गरम धुआं निकल रहा है, और ये हो गया इधर मक्की के ढोकले, बस बहुत है यार, और पापड़ है ना पापड़, तो ये जी पापड़ हो गए साथ में, पूरे मसाले हम घर से मिला के लेके आए हैं, लेकिन अभी हम इसमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा आप लोग जो बोलते हैं इसमें डालेगा अभी, ये हम पहले से डाल के लाए हैं। मैं थोड़ा बातचीत में रह गया था सागर भाई से, और इधर देखो ढोकले बन गए हमारे, बने नहीं मतलब रो ढोकले तैयार है, इधर इस टाइप के होते हैं, वैसे तो बड़े बनते हैं ये, लेकिन अभी हमारे पास कुकर छोटा है तो ये छोटे छोटे से मिनी मिनी बना दिए, अब इनको कुकर के अंदर भाप के अंदर पकाएंगे, बताते हैं आपको कैसा क्या है। चावल हमारे रेडी है ही है, चलिए अब बारी है हमारे ढोकलों की, तो हम सबसे पहले हमने ढोकलों क्या करते हैं कि इसमें जो इस टाइप की होती है अभी, लेकिन हमारे पास में छोटी नहीं है, तो मैंने ये किया है, इसमें दो स्पून है वो क्रॉस में लगा दिए, अरे वारे जुगाड़ दो स्पून क्रॉस में लगा दिए, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम,
ये देखिए जी, ये देखिए, अब तेरे पे तुक्का लगाया हमने तो क्या पता बनता है नहीं बनता है। वैसे तो मुझे अंदर से आवाज आ रही है बन जाएगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बाकी आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बन जाएगा। चलो ठीक है, बाकी सब आइटम रेडी है और 10 मिनट के अंदर ये भी बन जाएगा। फिर आराम से लंच करेंगे और सामने भैया से बात करके एक रूम ले लिया है, वहाँ पे रेस्ट करेंगे आज दिन भर। तो गाइज ये देखिए क्या नज़ारा है यार, पीछे की तरफ वैली का व्यू देखिए, और बहुत तेज बारिश हो रही है अभी, आपको शायद कैमरे में दिखे ना, और दोनों की गाड़ियाँ लग चुकी है। लो जी देखते हैं कैसे बने हमारे ढोकले। बन गए? ग्रेट। चलो जी एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया, जुगाड़ कभी कभी काम में आ जाता है, हमारा तो हर बार ही जुगाड़ काम में आ जाता है। क्यों भाई? दाल चावल और ढोकले हो तो पापड़ कैसे पीछे रह सकते हैं? तो यहाँ पर हम पापड़ भी सेक रहे हैं, ये हम सबसे पहले लाते हैं, हमारा सबका फेवरेट है। दाल का कलर एकदम चकाचक, उधर पापड़ सेक लिया है, प्याज कटिंग हो रही है, इधर हमारे ढोकले बन गए और इधर चावल बन गए। भाई और कितनी वेरायटी लोगे कैंपिंग में हमारी क्या है, देसी कैंपिंग है, मिली जुली कैंपिंग। और इधर शिवाय आ गया है काका काका करता हुआ। शिवाय भूख लगी? और ये आ गए चावल गर्मा गर्म, और ये आ गया हमारा ढोकला। हाँ जी, तो ये ढोकले के ऊपर आ गया देसी घी, इससे टेस्ट डबल हो जाता है, कभी ट्राई करना आप लोग भी। तो ये देखिए जी यहाँ पे दाल फ्राई हो गई है, चावल हो गए, ढोकला हो गया और पापड़ हो गया, साथ में हो गए प्याज, और बारिश हो रही है जबरदस्त वाली, बाहर आपको आवाज आ रही होगी। शिवाय बेबी और मम्मी आ गई है, मन से अंदर सो रही है आराम से घोड़े बेच के। चलिए भाई ये भूख लग रही है, क्या हुआ? लो जी ये सबसे पहली प्लेट गई हमारी मम्मी के हाथ में। लो मम्मी टेस्ट करो और बताओ कैसा बना। लो जी गर्मा गर्म चावल। तो देखिए हमारी मनसा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए हाथ धो रही है बारिश के पानी से। हो गए चेरी, कैसा लगा? बढ़िया। और हमारे इधर शिवाय क्या खा रहे हो? चटनी। तू बहुत बदमाश है बेटा, बहुत बदमाश है तू। उधर सागर भाई गाड़ी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से, और बाहर हो रही है मस्त वाली बारिश। चलिए जब खाने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए पूरी टीम, पीछे हमारी माता श्री, इधर हम, इधर हमारी धर्म पत्नी जी, इधर हमारे शिवाय बाबू, और ये चेरी मनसा, और इधर हमारे मित्र सागर भाई। देखिए यही होता है असली मजा, जो हर कोई नहीं ले पाता। कैंपिंग के दौरान हमें कपिल भाई ने और भाभी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाई हैं, और हमें राजस्थानी फूड का थोड़ा टेस्ट दिया है और काफी पसंद आया हमें। थोड़े राजस्थानी फ्लेवर्स अलग है मसालों के, बट अच्छा लग रहा है डिफरेंट चीजें खा के। स्पाइसी ज्यादा है ना? स्पाइसी ज्यादा है। इंदौरी स्टाइल ये बात। तो हर बार की तरह एक भारतीय नारी का फर्ज निभाते हुए हमारी चिक्की मैडम सबको खिलाने के बाद खुद खा रही है। चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। अब हमने सामने वापस रूम ले लिया, वहीं पे आज दिन भर रेस्ट करेंगे। अभी बज रही है दिन के ढाई, हाँ ढाई बज गए ना, तो अभी बज रही है दिन के ढाई, 3-4 घंटे आराम से नींद निकालेंगे, सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और शाम को देखते हैं अगर कुछ स्पेशल हुआ तो आप लोगों को दिखा देंगे, वरना सीधे मिलते हैं अब कल सुबह आपसे।